दो गुटों में लाठी भाटा जंग, कुचामन पुलिस टीम पर भी हमला। थानाधिकारी को जमीन पर पटक कर पीटा, दो पुलिसकर्मी घायल। खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से है, जहां शहर के स्टेशन रोड पर बारा बस्ती के दो गुटों में हुए लाठी भाटा जंग को रोकने के लिए पुलिस पर एक गुट के लोगों ने जोरदार हमला कर दिया। हमले में जहां दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहीं एक बारगी पुलिस की जान पर भी बन गई। हमलावरों ने थानाधिकारी सुरेश चौधरी पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लेकिन पुलिस उप अधीक्षक के गनमैन विकास गोदारा ने हौसला दिखाते हुए थानाधिकारी सुरेश चौधरी की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बंजारा समाज के दोनों गुटों में समाज की एक युवती के रिश्ते को लेकर बातचीत हो रही थी कि एक गुट के लोगों के सामने वालों पर हमला कर दिया। यह हमला लाठी भाटा जंग में तब्दील हो गया। इस बारे में सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक चामन सिटी संजीव कटेवा, थानाधिकारी सुरेश चौधरी, 7-8 पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस जब एक गुट के पास पहुंची तो 3-4 जने घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। तत्पश्चात पुलिस बंजारा बस्ती के राजूराम बंजारा के घर की तरफ पहुंची तो वहां 100-150 लोग एकत्रित थे। पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा एवं थानाधिकारी सुरेश चौधरी इनसे बात ही कर रहे थे कि लोगों ने उन पर हमला कर दिया तथा पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस उप अधीक्षक कटेवा की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए तथा पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने थानाधिकारी सुरेश चौधरी को जमीन पर नीचे गिरा दिया तथा पत्थरों और लाठियों से मारपीट करने लगे। गनीमत रही कि डिप्टी कटेवा के गनमैन विकास गोदारा सीआई के ऊपर गिर गया तथा उनके सिर को बचा लिया। डिप्टी कटेवा को एक बारगी गाड़ी में बैठकर भागते हुए अपनी जान बचानी पड़ी। वहीं पुलिस कर्मियों को भी गाड़ियों में दौड़कर चढ़ते हुए एवं भागते हुए अपनी जान बचानी पड़ी। पुलिस पर हमला इतनी जल्दी एवं निर्ममतापूर्वक हुआ कि वे कुछ समझ ही नहीं पाए, अपनी जान बचाने में लग गए। हमले के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बंजारा बस्ती में सघन जांच अभियान चलाया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष पुलिसकर्मियों ने बंजारा बस्ती के घरों की जांच की। बंजारा बस्ती में जांच अभियान जारी था। पुलिस ने बंजारा बस्ती के करीब 30 मोटरसाइकिलें, 15 के लगभग ट्रैक्टर, एक पिकअप जब्त किए हैं। पुलिस ने वारदात के बाद एक दर्जन लोगों को डिटेन भी किया है। पुलिस का जांच अभियान जारी है तथा की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ऐसा शाम को करीब 5:30 के लगभग की बात है, दाड़मील कुचामन के पीछे बंजारों के डेरे पड़े हुए हैं। तो बंजारे काफी दिनों से यहाँ पर रहकर मजदूरी करते हैं। इनके किसी बच्ची के रिश्ते की बात को विवाद होकर आपस में झगड़ा करके पथराव करने लगे थे, जिसकी सूचना पर थाने से जाब्ता मौके पर गया तो आपस में पथराव करने के दौरान पुलिस द्वारा समझाइश के दौरान तो पुलिस के दो जवानों के भी साधारण सिर में चोटें आई है, जिनका इलाज करा के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस संबंध में है जो कुछ संदिग्ध लोगों को है जो दस्तियाब किया जाकर पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही है जो बदमाशान जो चिन्हित करके और उनकी गिरफ्तारी की।